वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं अजोऽपि सन्नव्ययात्मा प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 9/1/94 को प्रातः 9:30 बजे बम्बई में हुआ। राम 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 पराकृत नवद बंधुं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं हो प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमो नमः सर्वे नमो भोगेश्वरीय प्रसक्तानां तया भरित चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। गीता में ध्येय की बड़ी महिमा बताई है। मनुष्य अपने विचार से जो ध्येय बना लेता है, लक्ष्य बना लेता है, एक उद्देश्य बना लेता है,
कि हमें इस उम्र में ये काम करना है, उस निश्चय पर दृढ़ रहने से उसके सब काम ठीक हो जाते हैं। जैसे हमने सुना है कि गंगोत्री से छोटी सी गोमुखी धारा निकलती है गंगा जी की, तो उस धारा के साथ कई नदियां, कई नाले, कई सरोवर, कई झरने मिलते जाते हैं। मिलते मिलते कलकत्ते के पास आने पर उसमें समुद्र में चलने वाला जहाज चलता है, इतना बड़ा प्रवाह हो जाता है। इसी तरह से मनुष्य जब एक ध्येय बना लेता है, एक लक्ष्य बना लेता है, तो फिर उम्र की सबकी सब घटनाएं, सबका सब जीवन, सब ठीक उसी में सहायक हो जाते हैं। बाधा देने वाले भी सहायक हो जाते हैं और सहायता करने वाले भी सहायक हो जाते हैं और उदासीन रहने वाले भी सहायक हो जाते हैं। वो अपने पर दृढ़ रहता है तो सब सहायक हो जाते हैं। तो उसे बाधा क्या है? ये व्यवसायत्म बुद्धि का बड़ा महात्म्य है। भगवान ने कहा है कि अपचे सुदुराचार हो, दुराचारी सांगोपांग दुराचार में कोई कमी ना रहे, ऐसा दुराचारी सांगोपांग दुराचारी अगर मेरा भजन करता है अनन्य भाव, एक मेरा ही उद्देश्य रखता है, भजन करता है अनन्य भाव का अर्थ कि तैल धारावत चिंतन, ये नहीं, उसका उद्देश्य एक है। जैसे पतिव्रता होती है, उसी का पति का व्रत होता है, इसका कारण इसमें ये नहीं कि वो सास की सेवा नहीं करती, ससुर की सेवा नहीं करती, देवर जेठ ननदिन की सेवा नहीं करती, आगंतुक ब्राह्मण है साधु है उसको भिक्षा नहीं देती, ये नहीं है। उसके जो ईश्वर है, जो मालिक, वो एक है, वो एक निष्ठा है। ऐसे जिसने एक विचार कर लिया कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है, ऐसा निश्चय कर लिया है, तो उसे सिद्धि हो जाएगी। गीता में तो यहाँ तक कहा गया निश्चय कर लिया है शुद्राचारी ने, तो साधु मान लेना चाहिए। भगवान हुक्म देते हैं, आज्ञा देते हैं, साधु रेव स मंतव्य, साधु ही माना जाना चाहिए। बिल्कुल कि महाराज दुराचारी था वो, दुराचार सब छूटे थोड़े ही हैं, कोई दुराचार है भी कि नहीं, उसको तो साधु ही मानना चाहिए। किस बात पर माने? कि सम्यक व्यवस्थित हो ही सा, उसने निश्चय बड़ा पक्का कर लिया, अच्छा श्रेष्ठ निश्चय है, श्रेष्ठ वो भी पक्का कर लिया है, तो वो साधु ही मानना चाहिए। कहते हम साधु माने वो साधु है, कहते वो भी क्षिप्रम भोज धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, निश्चय पक्का होने से वो धर्मात्मा हो जाता है, इस वास्ते उसको साधु मान लेना चाहिए। कितनी विचित्र बात है, सम्यक विश्वविद्य क्षिप्रम भोज धर्मात्मा, और धर्मात्मा केवल धर्मात्मा पुण्यात्मा ही होता है नहीं, शाश्वत शांति निकलती, शाश्वती शांति, निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाएगा। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि एक ध्येय अपना पक्का होना चाहिए, फिर सब काम ठीक होने लगते हैं। अब कभी कुछ और कभी कुछ करे तो एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, ऐसा करता बदलता रहेगा तो वो सिद्धि नहीं पाएगा। अपना तो एक विचार कर लिया, कर लिया, कर लिया बस। नंदन दुनीत निपुणा यदि वास्तु बंधु लक्ष्मी समा विशतु वा गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मे मरणमस्तु युगांतरे वा न्याय्यात् पथ प्रविशरन्ति बदलन धीरा। नीति निपुण बड़े बड़े अच्छे आदमी निंदा करे तो निंदा करे, स्तुति करे तो मर्जी है, निंदा करे स्तुति करे, धन आ जाए चाहे चला जाए, बीमारी आ जाए चाहे स्वस्थ हो जाए, चाहे जीता रहे चाहे मर जाए, न्याय पथा प्रविचलंति पतंग न धीरा, न्याय रास्ता है ठीक, शास्त्र का कहना है, संत महात्माओं का कहना है, लोगों की दृष्टि में वो ठीक है, सब तरह से उत्तम रास्ता है, उससे विचलित नहीं होते, काम ठीक हो जाता है, हो ही जाएगा उसका काम, ऐसी पक्की बात है। तो व्यवसायत्म बुद्धि एक होती है उनकी,
ये दूसरे अध्याय के 41 से 44 तक चार श्लोकों में इसका वर्णन किया है। वो चौथा श्लोक मैंने कहा है कि भोगे ईश्वरीय प्रसक्ता नाम और तया परिचेतसाम। भोग और ऐश्वर्य आसक्त है। भोग नाम सुख भोगना, ऐश्वर्य नाम संग्रह करना, ये दो खास बीमारी है। धन संपत्ति जमीन जायदाद संग्रह कर लूं, खूब इकट्ठा कर लूं और सुख भोगूं, ये दो वृत्ति है। दो में एक भी किसी के होगी तो बाधा लग जाएगी। ऐसा निश्चय करने वाला विवाह निश्चय बुद्धि जो विचार है कि एक ही काम करना है, ये हो नहीं सकेगी, इसमें बाधा है। ये भोग है ईश्वरीय प्रसन्नता नाम और तया प्रसिद्ध शाम। स्वर्ग में ऐसा सुख है, वहाँ बड़े नंदन वन है, अमृत का पान भोजन है, बहुत बढ़िया बढ़िया भोग है। इससे जिसका चित्त अपरित हो गया कि ऐसा भोग कैसे मिले, ऐसा सुख कैसे मिले, ऐसा आनंद कैसे मिले, ऐसे चित्त में भावना जिसके है वो व्यवसाय बुद्धि न भी दी। उनके निश्चय में एक निश्चय हो ही नहीं सकता उनका। परमात्मा की प्राप्ति करना है, हमें इधर ही चलना है, ये वो निश्चय कर नहीं सकते। ये सब बाधा है। इसमें भी एक ध्यान दे जैसी बात कहता हूँ, ऐश्वर्य पास में हो जाए तो इतना बाधक नहीं है। अनुकूल पदार्थ व्यवस्थित मिल जाए, सुख मिल जाए तो बाधा नहीं है। परंतु मन की धारणा है कि मेरे संग्रह हो और मेरे सुख मिले, ये जिसकी इच्छा रहती है उसके बंधन हो ही जाएगा, चाहे संग्रह न हो और भोग न मिले। और पास में भोग बहुत है, बहुत धन भी है, परंतु इच्छा नहीं है ऐसी, तो उसका धन एक साथ चला जाएगा तो भी मन पर असर नहीं होगा, और दुख पड़े तो कोई असर नहीं होगा। मन का भाव ये है कि संग्रह भी हो और सुख से ही जीवन बीते, आराम से ही मैं रहूं, ये आसक्ति जिसके मन में है उसके बाधा लगेगी। नंद क्या है बात, धन आ गया चला गया। जैसे घर में कोई बहुत से आदमी आ गए मेहमान और एक दिन चले गए। कुटुंब का भी आदमी मर जाता है, दुख होता है। अब इतने आदमी आप आए, भाई बहन बहुत आए, छकरों हजारों, अब ये सब चले जाए तो मेरे दुख थोड़ा ही होगा। आ जाए तो आनंद की बात है, और जावे तो भाई समय पर जाना ही पड़ेगा, सब यहीं कैसे बैठे रहेंगे। ठीक है, अपने अपने चले जाए। तो जहाँ आसक्ति है, ममता है, अपने मन का आग्रह है, अपना निश्चय बताइए ये रहने चाहिए, ये बांधता है। मनुष्य समझता तो है कि मेरा धन है, मेरे कुटुम्बी है, मेरी जमीन जायदाद है, मेरी है, ये मानता तो है अपने को मालिक, परंतु है उनका गुलाम, मालिक है ही नहीं। उसमें कोई चीज चली जाती रोने लग जाता है, रोने लग जाता है गुलाम है। अगर मालिक हो, लखपति है, करोड़पति है, मालिक है, तो करोड़ चला जाए हमें क्या दे। पति क्या करता है, जो तुच्छ चीजें है अपने सामने चली गई, तो वो मालिक है। नहीं तो सहस्रपति नहीं, सहस्रदास है, लखदास है, कोटिदास है, वो करोड़दास है। तो दासता नहीं होने, दास तो भगवान के लिए हम इन तुच्छ चीजों के, जो हाथ से कमाया पैदा किया आता जाता रहता है, चाहे वो धन चला जाए, चाहे शरीर चला जाए, तीनों चले जाए, दोनों चले जाए, ये तो होगा, ये तो अवश्यंभावी है। कितना ही धन हो, कितना ही परिवार हो, कितनी आपके पास जमीन हो, एक दिन ये जाएगी, अथवा आप जाएंगे, अथवा दोनों जाएंगे, ये तीनों में से बात होगी। तो फिर इनके जाने की निश्चित बात है, तो रखने की इच्छा कभी पूरी किसी की हुई नहीं, होगी नहीं, किसी की पूरी हो सकती नहीं, उस इच्छा को रखना बिल्कुल मूर्खता के सिवाय और क्या है। जो नहीं रख सकते हम, तो उसकी इच्छा रखने में क्या फायदा, नुकसान बड़ा भारी है। सेवा करो, रुपये कमाओ न्याय युक्त, सब संग्रह करो न्याय पाप से नहीं, और चले जाए तो बड़ी मौज की बात, आ जाए तो बड़ी बात है। सिद्ध सिद्धो समूह भूतवा,
ये गीता का योग है, समत्वम योग उच्यते। गीता इसको योग कहती है। आप गृहस्थ में बैठे हैं, साधु है, गृहस्थ है, माई है, भाई है, कोई है, समता मन में समता बनी रहे। आ जाए तो मौज, चले जाए तो मौज। व्यवहार करने में ऐसा कर लोगे, ये था आदमी चला गया, क्या है ये बूढ़े बड़े चले गए, इसका द्वादशा कर दो, नारायण बलि कर दो, ये विधि शास्त्र कर दो। परंतु तो किस बात का है, जन्मा है तब से है, जन्मा है वो बच्चा बड़ा होगा कि नहीं होगा संदेह है, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा संदेह है, इसका ब्याह होगा कि नहीं संदेह है, इनके लड़का लड़की होंगे कि नहीं होंगे संदेह है, धनी होगा गरीब होगा सब संदेह है, पर मरेगा कि नहीं मरेगा निसंदेह है, इसमें संदेह है ही नहीं। तो निसंदेह बात को ठीक तरह से पकड़ लेना, ये मनुष्य का काम है। मरेगा चाहे आज मरे चाहे 100 वर्षों बाद मरेगा, मरेगा जरूर, इसमें कोई किसी तरह की शंका नहीं है, एकदम सच्ची बात है। सच्ची बात को आज मान लो निहाल हो जाओगे, एक दिन ये वियोग होगा 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 जरूरी, तो अवश्य भावी है, उसी चिंता करने का फायदा। वो रह सकता ही नहीं तो रखने की इच्छा रखने से केवल दुख के सिवाय और क्या है, या सोचे हैं भाई बहन, जरूर वियोग होने वाला है। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते, जब अंत वियोग होना ही है, चले ही जाना है, चाहे वस्तु चले जाए, चाहे आप चले जाए, सदगुरु चले जाए, ये वियोग तो होना है। अवश्यम यातारस्तिरतर मुषित्वा विषया वियोगे को भेदस्त्यजत न जनो यत् स्वयममुं व्रजन्त स्वातन्त्यादतुल परितापाय मनस स्वयं त्यक्ता ह्येते समसुखमनन्तं विदधति। अवश्यं यातारस्ते तरमुषित्वा विषया, जितने भोग है, व्यक्ति है, वस्तु है, पदार्थ है, अवश्य ही वियुक्त हो गए, अवश्य ही जाएंगे, अवश्य निश्चित बात है, इसमें संदेह नहीं है, ऐसी पक्की बात को अपने निर्धारण कर लिया, तो ये जाएंगे ही। अब जाएंगे ही निश्चित से बात है, तो उसमें बताया कि ब्रजंत स्वातंत्र, हम तो चाहते रहेंगे वे चले जाएंगे, अतुल परितापाय मनस, मन में बड़ा भारी संताप होगा, हम चाहते रहे चले जाए पता, हम चाहते धन रहे धना चला जाए, हम जाए हमारा पद बना रहे ऊंचा और फिर चला जाए, हमारा बल हमारी जवानी बनी रहे और फिर चली जाए, हमारा सम्मान है संसार में महिमा है वो रहे चली जाए, तो वो आप से आप चली जाएगी तो दुख होगा, और उनके रहते हुए ही अपने उनसे अलग हो जाए, अपने वो जाए तो बड़ी अच्छी बात, न जाए तो अच्छी बात, इन दोनों में भी नहीं जाए तो अच्छी बात, जाए तो बहुत अच्छी बात, उसको बहुत लगा लेना चाहिए, ऐसा प्रचार पहले से पक्का कर ले। भाई संयोग वियोग अंधा, संयोग जो हुआ है वो वियोग होगा, तो संयोग में राजी हो गए, वियोग में नाराज क्यों होते हो भाई, वियोग जो संयोग हो तो नाराज वियोग होगा, अवश्य याद है, बिल्कुल आवश्यक बात है। तो भजन स्वातंत्र दतुल परितापाय मनसा, अरे स्वयं जगता ये पहले से ही देख ले भी ठीक बात है, समसुख बड़ी शांति बड़ी आनंद होगा आप शांति। एक राजस्थानी भाषा में आता है, साधु विचार कर भले समझिया देवी जगत को कूट, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले बैठा रूठ, पीछे तो ये बिगड़े जाएगी तो पहले रूठ जाओ, पर बस ठीक है भाई। रूठने का अर्थ ये नहीं है कि दुख देना त्याग करना उनका उसका कोई विरुद्ध काम करना, ये नहीं, बर्ताव बड़ा अच्छा करना है। एक थोड़ा दिन रहेंगे जाने वाले हैं, तो घर में रहने वालों की अपेक्षा मेहमान आ जाए उनका आदर विशेष करना, उनका आदर करो, ठीक तरह से चिंता करो, चले जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात।
हम जाते हैं ठीक है पर ये मार्ग राशा भरा ऐसे रूप कर दू तो कितनी मौज की बात है। अब दो चीज है, एक तो भोग है रे एक शरीर है। गीता में थोड़ी थोड़ी बात में इतना अर्थ भरा है, उम्र भर विचार करो तो निकलता ही जाए। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, भोग भी बना रहे और ऐश्वर्य सामग्री बनी रहे, और फिर नए नए भोगों की नए नए ऐश्वर्य की बात सुन लेते हैं। उनके इतना ऐश्वर्य है, उनके इतने कितने है, उनके इतना भाग है, उन्हें ऐसे भोग है, ऐसे स्वर्ग आदि में है, उससे चित्त अपहृत हो जाता है और आश्रित रहते हैं। वो ये निश्चय जो कह दिया कि एक निश्चय ये नहीं कर सकते, आसक्ति अपनी न रखे, ये पदार्थ रह जाए तो बड़ी आनंद की बात, चले जाए तो बड़ी आनंद की बात। क्यों, जो हमारे वश की बात है वो हमें करना चाहिए, हमारे वश की बात नहीं है वो क्यों करें। जो बोझा उठा सके उतना ही उठाना चाहिए, जो उठा ही नहीं सकते उसकी मेहनत करे दुख पाएंगे ना। तो इनको रखना हमारे हाथ की बात है नहीं, तो ये बना रहे ये सब क्यों रखे। बना रहे तब आदर करो, सत्कार करो, प्रेम का आदर का न्याय युक्त बर्ताव करो, ये सब करो अच्छी तरह से। चले जाए तो बड़ी अच्छी बात, आनंद की बात है भाई। चलो क्या ऊपर आदमी बैठा है, ठंडा जल पिलाना है, अब बहुत आ जाए, इधर चारों रास्ते आते हैं, बहुत आ जाए तो सबको पिलाओ भाई। अरे तुम क्या बचाओ, अच्छी बात है, जल पियो, हाँ ठीक है, चना है महाराज खाओ तो पड़ा है, लो खा लो, हो जाओ, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब वे मुसाफिर ठहरेंगे कैसे, रहेंगे कैसे भी, वही तो अपने रास्ते में आए हैं। ऐसे ये सब मुसाफिर है, सबके सब आने जाने वाले हैं, केवल अपना घर बनाकर बैठ गए, भावना कर ली हम रहेंगे, एक भी रहने वाला नहीं है। ये जितने प्राणी बैठे हैं, जितने संसार में आप देख दो, रूख और वृक्ष आदि इनको भी देख दो, आने वाले जाने वाले हैं, अब उस जाने वाले हैं। तो हम रख सकते नहीं उनके रहने की इच्छा करने से क्या फायदा, नुकसान बड़ा भारी है, फायदा किंचित मात्र नहीं, नुकसान सब तरह का है। अब उसको भी आदमी नहीं छोड़ सके तो क्या छोड़ोगे, साधन करें त्याग करेंगे, त्याग वो नहीं कर सकते है। कि वियोग जरूर वियोग होने वाला है, उनके वियोग को भी आप स्वीकार नहीं कर सकते, जो कर सकते हो आप वो भी नहीं कर सकते, क्या कर सकते हो बताओ। जाने हुए असत का त्याग करने में क्या खर्च है, आपने जान लिया कि जाने वाले है तो पहले से बिल्कुल पक्का विचार कर ले कि ये वियोग होने वाले है भाई, हम मर जाए तो व्यूत, ये मर जाए तो व्यूत, दोनों मर जाए तो व्यूत, व्यूत होने वाला है व्यूत, सच्ची बात तो वियोग ही है, संयोग व्यूत सच्ची बात नहीं है। जितना संसार है उसमें संयोग है वो अनित्य है, वियोग नित्य है। ये दो बात छोटी सी है, ध्यान दूंगा। आपका हमारा पहले मिलन था नहीं और फिर मिलन रहेगा नहीं, तो वियोग पहले था और पीछे भी वियोग है, अब भी वियोग हो रहा है। आप समझते कि हम बैठे संयोग है, संयोग नहीं है। सत्संग का जो हमारा समय था वो हमारा हुआ भी 9:30 से समाज सत्संग है, तो अब 56 मिनट आ गए, 20 मिनट आ गए ऊपर। हम करते हैं तो सत्संग है, हो रहा है, वो नहीं बीत रहा है। शब्द कठोर होगा पर तू सत्संग मर रहा है, आप रेशन चल रहा है, चल नहीं चल गया, चल गया, चल रहा है, नाश हो रहा है। ऐसे शब्द का जीवन है, ये जा रहा है। पहले आपका हमारा वियोग था, अंत में वियोग होगा, और संयोग काल में वियोग हो रहा है निरंतर, रात में दिन में कोई ऐसा मिनट और क्षण नहीं है कि जिस क्षण में आपका हमारा वियोग न होता हो। तो वियोग भी उसमें सत्य है, उसको स्वीकार कर ले ठीक है। संयोग काल में आदर करो, सत्कार करो, प्रेम करो, आदर करो, सबको सुख पहुंचाओ अपनी शक्ति के अनुसार, और वो मांग है हम न सुनता से हाथ जोड़ के क्षमा मांग लो कि ये मैं इच्छा पूरी कर नहीं सकता, मेरी सामर्थ्य बाहर की बात है, अथवा आपकी इच्छा न्याय युक्त नहीं है,
आपकी सारिया युक्त है, इस वास्ते मैं करना चाहता नहीं। क्या हाल है इसमें? इच्छा आपकी न्याय युक्त है, मैं कर सकता हूँ, वो मैं करूँगा। निहाल हो जाओगे, व्यवहार आपका सच्चा अच्छा हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, लोग और परलोक दोनों सुख हो जाएंगे। अपनी शक्ति के अनुसार सुख पहुंचा दो, अधिक भाई हम सुख दे सकते नहीं। स्त्री ने कह दिया, हमारे तो रेशमी साड़ी लाओ बनारसी बढ़िया। कहते मेरे जैसी पैदा होती है वो मैं ला दूंगा, दूसरा मैं जैसा कपड़ा पहनता हूँ उनसे बढ़िया एक नंबर तुम्हारे को दूंगा। अब अधिक मैं नहीं दे सकता, सामर्थ्य है तो बढ़िया से बढ़िया लाकर दे। तो उसे कुटुम्ब छोड़ा है, माँ बाप भाई भतीजा सबको छोड़कर तुम्हारे पीछे आई है, उसने त्याग किया, आपने त्याग क्या किया? आप तो घर पर बैठे हो मौज से अपने बाप की गद्दी पर। इस वास्ते उसी जो है शक्ति के अनुसार से कह देवी ये है हमारे पास अपनी शक्ति के साथ। हमारी अपेक्षा तुम्हारे कपड़ा दू, मेरी अपेक्षा भोजन अधिक करो, मेरी अपेक्षा बढ़िया जगह में आप ले दो है जिसमें बढ़िया, आपके एक नंबर दो नंबर मेरी। धर्म का पालन हो गया आपका, गृहस्थ का पालन हो गया, सब काम ठीक हो गया। अब सब तरह से पूर्ति कर रहे, कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। एक दिन मेरे बेकार सुना, बड़ी विस्तृत बात सुनी। तुम कहते मेरी इच्छा पूरी हो जाए, कि इच्छा पूरी राम जी के बाप की नहीं हुई। तुम क्या चीज बता, राम जी के बाप की भी इच्छा पूरी नहीं हुई, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी? ये पूरी होना है नहीं, इस वास्ते क्यों इच्छा करो? आ जाए बहुत अच्छी बात, ना आ जाए बहुत सीधी बात। पूरे है मर्द भाई जो हर हाल में खुश रहे, पर ये विचार कब होगा? जब एक पक्का परमात्मा की प्राप्ति करने का निश्चय कर लो और इसको त्याग कर दो। अगर इसको बना रहे इच्छा करोगे तो वो एक निश्चय कर सकोगे नहीं, उसमें निंदा हो तो निंदा हो जाओ। निंदा के लायक हमें काम नहीं करना है, अपमान के लायक निषिद्ध काम हमें करना नहीं है, और ठीक काम करते हुए निंदा हो जाए बहुत ही आनंद की बात है। क्या निंदा होगी जो हो गई, क्या बेइज्जती हो जाएगी? बेइज्जती तो दुराचारी की होती है, और दुराचार हमने किया नहीं है। लोग कहे तो कह दो, क्या हर्ज होगा उसमें? अपने हृदय पर हाथ धरो। इसमें एक बात है, अपने चरित्र और अपने विचार पर आप पक्का कंट्रोल रखो, और वो रखते हुए ठीक आचरण में चलते हुए आपकी निंदा हो जाए तो आपने चरित्र और भाव की तरफ देखो, मेरा चरित्र खराब नहीं है, भाव खराब नहीं है, ऐसा विचार करते हैं आप बिल्कुल सुख से सहल हो गए इस बात को, सुख पुरुष आ जाएगा। कि निंदा होगी, अपमान हो गया, हमने तो अपमान करा काम किया नहीं, फिर अपमान हो गया तो हमारा क्या अर्ज हुआ? सबकी नहीं, सब प्रशंसा ही प्रशंसा हुई, वो कायदा है। इन्हें सुख और दुख, अनुकूल प्रतिकूल, निंदा स्तुति, ये तो सब संसार मात्र का स्वरूप यही है। ये दो बात तो होती है, निंदा भी होगी, स्तुति भी होगी, आदर भी होगा, निरादर भी होगा, ये तो होगा जीवन में, होता है, सबके होता है, बड़े बड़ों के होता है, छोटों के भी होता है, समान के भी होता है, सबके होता है। तो इसमें हम क्यों घबराए? हम अपना आचरण, अपना भाव, अपनी नियत, अपना उद्देश्य शुद्ध रखें। उस शुद्ध नियत भाव और आचरण पर दृष्टि रखने से आपसे सुख पुरुष आ जाएगा। करके देख लो, ये युक्ति है बढ़िया। अपना अच्छा आचरण फिर क्या है, निंदा करो कुछ भी करो, हमारा कठिन मुश्किल रखें। और यहाँ रहना है, यहाँ रहना नहीं है, ये बात पक्के विचार कर ले। जैसे आप लोग अभी यहाँ बैठे हैं, यहाँ बिछौना के काम लेते हैं, मकान को भी काम लेते हैं, यहाँ के प्रकाश को लाइट को भी काम लेते हैं, आपस में बैठे एक एक साथ सहयोग है, ये बड़ा अच्छा काम है। परंतु यहाँ हम रहेंगे सदाई, ऐसा है भाव? नहीं, हम कह देंगे ऐसे, ये तो सदा भाव है भाई, सुनाने के लिए आए है, वक्त होने पर चल देंगे। ठीक इसी तरह से आप घर में रहो, चाहे जन्म कर आया हो, चाहे ब्याह कर आई हो, रहना है वो जाने के लिए है, रहने के लिए है नहीं, यहाँ रहेंगे ये बात है नहीं।
पक्का विचार कर लेते हैं। सच्ची बात है, सच्ची बात को स्वीकार कर लेने का नाम ज्ञान है। ये ज्ञान हो गया तब तो ज्ञान हो गया सच्ची बात। ठीक है, मत भूले मन मोह में भांदू भजरे पीव। मारवाड़ी एक देहाती भाषा में संता ने बात कही है, बड़ी सुंदर, बड़ी सीधी मारवाड़ी ग्रामीण भाषा में। मत भूले मन मोह में भांदू भजरे पीव, क्यों देखो बैठो सगराब के तो ऊंडी देकर नीव। ऊंडी नीव यहाँ फुटोड़ा गेला कर आवा ने छोड़ अटे को रेवन देला। लख 84 जून में रुतो कृषि जीव, मत भूले मन मोह में भांदू भजरे पीव। भगवान याद कर रहे यहाँ फुटोड़ा गेला कर आवा ने छोड़ अटे को रेवन देला। यहाँ कौन रहने देगा, कैसे होगी, नहीं रह सकते। तो नहीं रह सकते तो पहले से अपने अपना रहना है ही नहीं। जो रहना नहीं देगा हमें रहने की इच्छा ही नहीं करते, कौन निकालेगा बताओ। एक कहते आज एक शहर में पहलवान आया है, सबको गिरा देता है, सबको पटक देता है, सबको चिता कर देता है, सबको गिरा देता है। एक आदमी बोले सोते हुए वो भी, अब सोते हुए क्यों गिराएगी, उसे कोई लड़ाएगा तो गिराएगा, सोते हुए सबको गिरा देगा, सबको सोते हुए गिरा देगा, सोते हुए सबको गिरा देता है। तो सबको गिरा देता पहले सोता हुआ है, अड़ते से तरने से जलते से जल होए, कभी ऐसे संत को गंजन से क्या होए, जलते से जल होए, ठंडा पानी बन जाए। अब उसको कौन हरावेगा बताओ, कैसे, हमारे यूं नहीं, हमारे मुंह से यही से इतने काम खत्म काम। हम तो अच्छा आप बड़े हो गए जयराम जी जी, क्यों मुंह तुम लड़ाई करे। तो अवश्य याता विषया, तो भजन तो स्वातंत्र्या अतुल परितापाय मनस स्वयं जगता हे दे, स्वयं अपने विचार कर रहे तो इनका वियोग होगा। अभी हम इतने बैठे हैं तो इनका वियोग होगा, अभी समय आया और सब अपने फिर जाएंगे। अरे कहाँ जाएंगे, अरे कहाँ का पता नहीं है, अलग अलग है, अपने अपने अलग अलग जाएंगे। ऐसे जैसे मर कहीं जाए, कोई स्वर्ग में जाएगा, कोई नर्क में जाएगा, कोई वैकुंठ में जाएगा, कोई जो दस जूनी में जाएगा, कोई छावर बनेगा, कोई जंगम बनेगा। अब कहाँ कहाँ बनेगा क्या पता, कहाँ यहाँ जाएंगे जरूर, अरे कहाँ जाएगा पता नहीं। अपने यंग यंग स्मरण भावन तंते करे वरम तम तम एव एति वांते सदा तद भाव भावित, जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ जाता है उसी उसी उतर जाएगा। तो यहाँ रहने वाला नहीं है, जाएगा जरूरी, तो जरूरी जाना है उसमें। अब जाना हो जाए तो क्या चिंता है, जाना ही ठीक बात है। जयराम जी जाते हैं शाम को, और ठीक बात है, किसी को कहने भी क्यों पड़ेगा, तुम जाओ तुम ठहरो, हम अपनी बारी बारी आपो अपनी चले प्यारे मित्र, तेरी बारी रह यार नड़ी आवे नित। अपनी अपनी बारी में सब जाएंगे, तेरी बारी भी नित नजीक आ रही, रोजीना नजीक आ रही जाने की बारी, बारी में सब जाना पड़ेगा। तो पहले से ध्यान कर ले इसको। कहते कई माइया कहती है बूढ़ी बड़ी, हमने नहीं जाना था कि ये बेटा हमारे सामने चला जाएगा। तो नहीं जाना तुमने भूल करी, जाने वाले ने भूल करी नहीं, वो तो भक्त पर चला ही गया। तो तुम पहले से धारण करो कि इतने सब है जाने वाले हैं। अभी हम विचार करें ये भाई बहन आए हैं, बड़ी अच्छी बात है, भगवत चर्चा करते हैं और जाने वाले हैं, तो सब चले जाए तो दुख होगा क्या। तो कुछ का बात है, ये जाने वाले आए हैं, आए हैं जाने वाले हैं, सच्ची बात है, ऐसे हैं सब जाने वाले हैं। अब भोग ऐश्वर्य प्रक्षित हो जाए, भोग सुख मिलना चाहिए, ऐश्वर्य रहना चाहिए, किसी का नहीं रहा कैसे रह जाएगा आपका, सच्ची बात है। ये सच्ची बात सीखने के लिए अपने इकट्ठे हुए, मैं भी आप भी सभी के सभी। सच्ची बात ये है, धारण करनी ठीक बात है, बर्ताव उत्तम से उत्तम करो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करो। क्योंकि घर का आदमी रहने वाला उसकी अपेक्षा मेहमान आता है उसके लिए भोजन आदि का व्यवस्था अच्छा करते हैं, सत्कार अच्छा करते हैं। तो ये थोड़ा देर रहने वाला है तो उनके साथ मेहमान है सब, इस वास्ते इनके अच्छा बर्ताव करो, चले जाओ ठीक बात है। हम जाए तो जयराम जी से, हम जाते हैं साथ, जाओ जयराम जी ठीक पढ़ा जाओ।
कितनी सीधी सरल बात है, कितनी फकीर, कितनी शांति देने वाली है। मन की कामना के रहना चाहे तो दुख पाओ बस, और रख तो सकोगे नहीं, तो रख सकेंगे ही नहीं, तो ऐसा बोझा उठावे क्यों, अपन भारी क्यों उठावे। इस वास्ते सबके साथ बड़ा प्रेम का, आदर का, सत्कार का बर्ताव करो, उत्तम बर्ताव करो, उसका पुण्य होगा। आप समझते हैं पुण्य से कोई नहीं मिल जाए, अरे पुण्य से शांति मिलेगी, चित्त में प्रत्यक्ष शांति होगी, प्रत्यक्ष आनंद होगा, प्रत्यक्ष सुख होगा। सही बात वो लेकर के दुख होता ही नहीं, गलत बात पकड़ने से दुख होता है। सही बात बड़ी ठीक है, गाड़ी चलती है 60 सूत्र लगाए, मालगाड़ी चलती है, वो पटरी पर चलती है तो धनाधन धनाधन चलती है, कुछ बोझ लगता ही नहीं। अरे पटरी से उतर जाए इंजन तो बस खुद चलना मुश्किल हो जाए। ऐसे इस पटरी पर चलते तो ठीक है, जा रहा है भाई, खूब चलते मौज से धनाधन। नीचे उतरा कि तू ये रहना चाहिए, यू होना चाहिए, यू नहीं होना चाहिए, बस ये आफत है। सच्ची है, थोड़े में थोड़ी सी बात भाई है, यू तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये पकड़े तो अशांति रहेगी। अपने तो ठाकुर जी की मर्जी जो होना चाहिए, ठाकुर जी की मर्जी नहीं होना, नहीं होना चाहिए। अपना तो बर्ताव अच्छा करना है, अपने तन से, मन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, बल से, जितना सुख पहुंचा सुख पहुंचाएंगे, नहीं पहुंचा सके हाथ जोड़ क्षमा मांग रहेंगे। आप ऊर्ण हो गए, संसार ऋण उतर गया, आपका सब ऋण उतर गया, कितनी बढ़िया बात है। इतनी सी सरल है, इतनी सुगम बात है, सबके लिए बहुत बढ़िया बात है। प्रसन्नता एकदम कुशल है, आनंद में है। सबका वियोग होता है तो सबका वियोग होगा ही, तो उस वियोग को पहले ही स्वीकार कर ले और सबके साथ प्रेम का आदर का बर्ताव कर। इतनी सी बात है, लंबी चौड़ी बात नहीं है, पक्का विचार कर लो, बिल्कुल सुखी हो जाओगे, संदेह नहीं है इसमें, किंतु बातें भी करके देख लो। ये संसार में रहने की विद्या है, जिसको संसार में रहने की विद्या आ जाती है वो दुखी नहीं होता। इस विद्या का अध्ययन नहीं करने से दुखी होता है। संसार है संसार, श्री गतो सम्यक वर्तन सरती गति संसार, जो जाता है हरदम निरंतर वियुक्त होता है उसको संसार है। देखो कितनी सच्ची बात है, आपका हमारा संयोग है अनित्य है। पहले अब संयोग नहीं था, फिर संयोग नहीं रहेगा, अभी वियोग हो रहा है, तो संसार मात्र का वियोग ही नित्य है, संयोग नित्य है ही नहीं, और परमात्मा योग ही नित्य है, वहाँ वियोग है ही नहीं। तो वो नहीं समझ पाओ तो न सही, एक बात दोनों में से दोनों समझ लो तो ठीक, नहीं तो एक समझ लो कि इनका सब वियोग होने वाला है, तो हम आज से ही अपना वियोग ही समझे। तो वियोग समझने का एक तरीका है, वो तरीका बताता हूँ। जैसे आप माँ के बेटा है, मेरी माँ है तो माँ कहती मेरा बेटा है, तो माँ को सुख हो, संतोष हो, आराम हो, वो आप काम करो। माँ मेरे को धन दे दे, मेरा पक्षपात रखे, मेरे को सुख दे दे, ये सब खतरनाक है। तो ये से तुम माँ को छुट्टी दे दो कि माँ आपके पास जो धन है, गहना है, जो कुछ है, आप अपने मेरे भाई को दे दो, मेरी बहन को दे दो, ब्राह्मणों को दे दो, चाहे सदाव्रत लगा दो, अनुमान तो चाहे सो करो, उसमें आप बिल्कुल स्वतंत्र, सेवा मेरे से ले लो। आपने जन्म दिया है, मेरा पालन किया है, बड़ा किया है, शिक्षा दी है, बदला तो मैं उतार सकता नहीं, परंतु मेरे से हो जाए सेवा, आप विसंकोच मेरे को और मैं सेवा करूँ। ये त्याग का रूप है, ये त्याग रूप है। ये ऐसे स्त्री को कह दो कि देखो मेरे से होगा जैसा मैं करूँगा, जितना मैं कर सकता हूँ, दे सकता हूँ, उतने में मेरे संकोच नहीं, मेरी शक्ति के अनुसार, और इससे अधिक सहो तो माफी मांग लूंगा, वो क्या भाई मैं नहीं कर सकता, इतने बढ़िया मैं कर नहीं सकता, है जिनसे बढ़िया बढ़िया आप ले लो। ऐसे बेटों से ही कह दो, मन से कह दो, कहने की जरूरत नहीं है, हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है,
नियत में कि लड़कों के लिए भी तुम्हारा हिस्सा है, इतना इतना भाई में हिस्सा, अच्छी बात पैदा हो गए, पढ़ा दिए, ब्याह कर दिया, फिर छुट्टी दे दो कि भाई तुम्हारा जितना हिस्सा है वो ले लो और बना बनी पढ़ा लो, अच्छा और रहो, बड़ी आनंद की बात है, घर है कहते हम तो अलग रहे, बहुत अच्छी बात है, अपने छुटकारा हो गया। जितने अपने प्राणी है उनकी सेवा करने में तो अपने तत्पर तत्पर, और उसे लेने की इच्छा मत करो, केवल एक दो बात कर लो, वे हमारे अनुकूल बने, हमारी सेवा करे, हमारे सुख पहुंचावे, ये सब करो, क्योंकि वो भी सुख चाहते हैं, हम भी सुख चाहते हैं, तो दो ठगर ठगाई कैसे होगी, हम भी ठगर वो भी ठग, तो दोनों दुख पाएंगे, अपने ठगा जाओ, फिर हमने अपने आपसे सुख लेना नहीं है, अब आप सुख हमारे से जो हो सके हम कर देंगे, बस हो जाओ, ये त्याग का स्वरूप है, सरलता से सब कुछ कर सकते, बैठे हो यहाँ तो बड़ी आनंद की बात, रहो आदल से, जाने हैं तो मर्जी से जाओ, मेरे से कोई सलाह लेते मैं ऐसे कहता भी हूँ कि भाई तुम्हारी ऐसी बात है तो मर्जी है, बेटा तो बड़े हो गए, अच्छी बात, आजकल कई शिकायतें आती है, छोरा आजकल मानते नहीं, कहना नहीं मानते, वो भगवान की बड़ी भारी कृपा है, कहना मानेंगे तो आप फंस जाओगे, कड़ा नहीं मानेंगे तो वृद्धि आ जाए, त्याग आ जाएगा, बहुत ठीक बात है, ये तो बड़ी भारी कृपा है, भगवान की भी कृपा है, सोरों की भी कृपा है, वे भी आपको मेहरबानी करते हैं, आपको फंसने से बचाते हैं, अगर आज्ञा माने तो छोटी बात है भैया, अपने प्रेम से रहेंगे, पर बढ़िया बात है आज्ञा नहीं माने, वो घर में जो बहू कड़ा मानती है, बेटा कड़ा मानते हैं, ये खतरा खतरनाक बात है, सावधान रहना इसमें, अगर वो कहना मानते ही नहीं तो निश्चिंत हो जाओ, बूढ़ी माताओं को चाहिए, सासुओं को चाहिए कि अब चिंता नहीं है, बहू अपने पैरों खड़ी हो गई, हमारी सलाह की आवश्यकता ही नहीं है, हम आज मर जाए तो कोई चिंता नहीं घर की, क्यों रहते हो भी ये मानते ही नहीं तो उसके अभाव कुछ होगा ही नहीं, बहुत आनंद की बात है, कितनी खुशी की बात है, अरे माने तो अच्छी शिक्षा दो, अच्छी बात को ठीक तरह, नहीं नहीं हम नहीं मानते, बहुत अच्छी, जय राम जी की, कैसी बात बढ़िया है कि महाराज क्या करें, वो शुद्धि नहीं रखती, पवित्रता नहीं रखती, ऐसी करती है, कोई बात नहीं, आप अपने ज्यादा चाहिए तो अपनी रोटी बना लो खा लो, तो मैं भाई बार पवित्र चाहती है, ऐसा मेरे अच्छा नहीं लगता, खान पान तुम्हारा अच्छा नहीं लगता, मैं रोटी बनाऊ ठाकुर जी को भोग लगा अपने पा लो, स्वयं अपना काम आप करो, शक्ति जितने करो, इसके बाद जब हो जाए तो ऐसे करो, कई ऐसे पूछते हैं कि क्या करें, हम कर नहीं सकते, वो शुद्धि नहीं रखते, तो मैं कहता हूँ गंगा जल रखो अपने पास, खाद्य तो खाना नहीं है, जिसका निषेध है, मांस है, मछली है, अंडा है, आदि है, ये निषिद्ध चीजें, तो लहसुन है, प्याज है, ये खाना नहीं अपने को, अरे शुद्ध पवित्र है उसमें ठीक है, खराब खराब नहीं है, कि शुद्धि से नहीं बनाया तो ला करके और गंगा जल का छिड़का दे दो, गंगा जल ला दो और भगवान भोग लगा पाए, अपने पवित्र करो, जितना कर सको उतना ही कर सकते हो, अब नहीं कर सकते उसमें दुख करो, तू करो दुख भी कर सकते, इतना ही करेंगे अपना, अपना बना लेंगे, ठाकुर जी भोग लगा पा लें, और क्या करेंगे भी, कई घर से निकाल देते हैं, ऐसे भाई भी मेरे को मिला है कि लड़का लड़की नहीं मानते, स्त्री बिल्कुल नहीं मानती, वो कहते तुम भाग जा चला जा यहां से, तुम निकल जाओ भाई, ऐसों की एक पिंजर भरो, हमारे शेर जयदयाल जी कहते थे कि गौयों के लिए जैसे पिंजरा पोल करते हैं ऐसे बूढ़ों के लिए करना पड़ेगा, वो तो चले गए, तो ये बूढ़ा का जो कोई घर में नहीं रखे थे यहाँ जो ऐसा विचार कर रहे हैं, वो सब ऐसा हो रहा है कि ऐसा प्रबंध हो जाए घर में कोई न रखे तो रह जाओ यहाँ हो बैठो, खूब मौज से आराम से आराम कर रहे हो, उनकी सेवा करेंगे और मर जादू पाल देंगे, उसको कुछ थोड़ा बहुत है कर देंगे, दादी सर अभी क्या चिंता है, घर वालों को मिलता नहीं, घरों में वो क्या करे, ऐसी घृणा होगी बूढ़े माता पिता सुहाते नहीं, ये दशा हो रही है आज, और कई घरों में बड़ा आदर हो रहा है,
एक भाई को मैंने देखा, वृद्ध सज्जन थे, उनके हो गया लकवा। जो बेटे की बहू महाराज फिर नतमस्तक हो जाते हैं, हम धन्य है, ये बातें बनाने तो सोरी है, परंतु उस ससुर की वो सेवा करती थी, देखा मैंने आंखों से। टट्टी पेशाब फेंकना, भोजन कर देना, कपड़ा फैला देना था, सारी शीत काल ठंडी में सब तरह से सतपता सेवा करती बेटे की बहू, मैंने देखा। वे भी है संसार में, वे भी देखा है कि माँ जी को तो काशी जी भेज दो तो भजन करे, अपना कल्याण करे। अब कल्याण की थोड़ी इच्छा आफत मिटे, ये बात है। माँ जी को मैं ऐसे भी देखा है, तो अलग अलग है। भगवान के दरबार में सब तरह के नमूना है, समझे, संत भी है, दुष्ट भी है, अहिंसक भी है, हिंसक भी है, ये सब संसार भगवान का बगीचा है। इस दुनिया में एक बगीचा रंग रंग के फूल खिले, कोई साबत और कोई मुरझे है, कोई आज के है निकले, एक दिन वे सब ही झड़ जावे बारी बारी मैं शुगले, कोई न किसी का संग न साथी, जावत आवत है इकले। ये फुलवारी है, देखना है, ये संसार बगीचा बड़ा बढ़िया बन रहा है, तरह तरह के है, कई वृक्ष कांटों वाले हैं, कई बड़े साफ है, कई बढ़िया है, कई ऐसा, सब तरह का है। इस वास्ते संसार में सबके साथ देव का बर्ताव हो। इस दुनिया में बांध बांध के लोग सबसे हिल मिल चालिए, नदी नाम संजोग, नदी के इस पार में आकर के हम नौका में चढ़ जाते हैं, उस पार उधर पर चल जाते हैं, तो इधर कहाँ से आए पता नहीं, कहा कर इकट्ठे हो गए पार होने पर, अच्छी बात है, मौज की बात। बर्ताव क्यों बुझा, अपना बर्ताव अच्छा करे, अपना जैसा बर्ताव करे वैसी हमारी परिस्थिति बढ़ेगी। इस तरह से भाई बहनों को संसार बनना चाहिए। ये बात याद रखो, छोटी सी बात है, इसका वियोग नित्य है, संयोग नित्य नहीं है। संयोग इच्छा मत करो, वियोग होगा, पहले वियोग पीछे वियोग, वियोग ही है, और परमात्मा के साथ योग है। आप जाने न जाने, आपको दिखे न दिखे, आपका अनुभव हो न हो, परंतु परमात्मा का वियोग आपसे हो नहीं सकता, और संयोग संसार का संयोग रह नहीं सकता। तो प्रभु अपने हैं, संसार अपना नहीं है, इतनी बात है बस। सदा मोह सुझा, सदा ही सदा, और नाम का जप करो, प्रभु को पुकारो, कीर्तन करो, मस्त हो जाओ, कैसी आनंद की बात है, कितने सुख की बात है, कितने आराम की बात है, कितने आनंद की बात है। अवश्य बात है, बिल्कुल आवश्यक है, सबका वियोग होगा। एक दो है माया है, उगे सो ही हाथों में, अरे फूलिया सो कुमला है, अरे चिड़िया देवल जह पड़े, अरे जाया सो मर जाए, सो उदय हुआ है वो अस्त होगा, अरे फूला प्रफुल्लित हुआ है वो कुमला जाएगा। बड़ी बड़ी इमारतें हैं एक दिन धराशायी हो जाएंगे, अरे जो जन्म है एक दिन मर जाएंगे, ये बात है। तो वियोग नित्य है, संसार का वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है। तो अनित्य की इच्छा करोगे तो दुखी पाओगे भाई, जो नित्य है उसे भी मस्त रहो, बहुत ठीक बात है, अपने पहले से ही स्वीकार कर देते हैं, बड़ी मौज की बात है। तो संसार में रहने की ये विद्या है, और भगवान के भजन का भी ये प्रकार है। अरण्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अनन्य आश्रित, अनन्य मेरे में लगे और किसी में नहीं है, और किस में लगे भाई, संग तो रहेगा नहीं, तो पहले ही अपने ऐसा कर दो, उनका चीज चुका दो। दुकानदार को दुकान उठानी हो तो क्या करना होगा, कईयों को उधार माल दिया हुआ है, कईयों से उधार लिया हुआ है, किसके रुपया कर्जा है, किस आपका दूसरों पर कर्जा है, ऐसे है, दुकान उठानी है तो अपना कर्जा तो उतार दे, अरे उनसे आश है जितना ले लो वो छोड़ दो, दुकान उठा दो जाए। अब सबका सब हम लेना ही चाहते हैं तो दुकान उठेगी नहीं, सब सब पूजा देंगे नहीं, वो कोई देगा कोई कुछ गड़बड़ी करेगा, अपने दुकान उठाना है तो
अपने पर कर जाए उसका सबको पाई पाई सुखा दो, अब जितना ले लो दे दो जयराम जी की, श्री कृष्णार्पण मस्त कर दो, पुण्य हो जाएगा, भगवान का अर्पण करो सिद्ध। चोरी हो जाए तो, डाके में चल जाए तो, आग में जल जाए तो, कोई दबा ले तो, खो जाए, उसको भी सच्चे हृदय से भगवान अर्पण कर दो। मेरे से तो सम्मति पूछते हैं, पूछिए कई लोगों ने, यहाँ भी बैठे हैं वो, कोई कितने रुपए चला गया, वो सच्चे हृदय से भगवान का अर्पण कर दो, और फिर आ जाए तो पुण्य में लगा देना, नहीं तो अपने लगाने की मेहनत बेटी भगवान का अर्पण कर दो। आने पर पुण्य करोगे तो पुण्य होगा, और बिना पुण्य किए पुण्य हो गया, आपसे आप ले गया, बहुत अच्छी बात है, हमें तो भगवान में लगाना था, अगर आ जाए तो लगा देना, सिर्फ रखना नहीं है, कृष्णार्पण कर दो, बहुत हो गया, कितनी आनंद की बात है। चोरी हो जाए तो, डाके में जा जाए तो, खो जाए तो, भगवान का अर्पण, भगवान का अभिनंदन। यूं करने में कंजूसी करते थे, ये भगवान ने कृपा कर दी, अब कर दो त्याग अपना, कितनी मौज की बात है। जो आफत आवे वो आप सबकी सब चल जाएगी, ये आफत इसी पर आती, खाऊं खाऊं पर आफत आती, ले मैं ये डाके चला है ना खाना जी, इसी पर आफत आती। अपने तो सेवा करनी है, सभी मौज की बात है, बड़े आनंद की बात है, सुख से दिन बीतेगा, जीवो तो ही मौज से, मरो तो ही मौज से, आनंद से मरोगे, चाह न रखोगे तो जीने में भी खटपट होगी, मरने पर भी चित्त अटका रहेगा भोगों में, और माया में रह जाए वासना अजगर दे, साप मरेगा, साप मरना पड़ेगा धन के लिए, जहाँ गड़ा है वहां पर। ऐसी बीती है बातें, कई इतिहास की बातें आती है सामने, ऐसी घटनाएं घटी है। एक बड़ी विचित्र बात सुनी हमने, एक सज्जन गया जी गए थे, हरिप्रसाद जी अपने, वो कहते थे गया जी वहां गए तो एक आदमी आया, वो आया जो एक पिटारी में सांप लाया, और सांप की बात सुनाई बड़ी विचित्र, तो वो लड़का था, उसको सांप शब्द उसने स्वप्न दिया, कहा कि मैं तेरा पिता था वो मर गया हूँ, सांप हो गया हूँ मैं, तू गया जी में पिंड दया दे, तेरा ठीक हो जाएगा, और तेरा खर्चा लगेगा नहीं, अमुक जगह धन पड़ा है वो ले ले, खर्चा तो तेरे लगेगा नहीं पड़ा है वो ले ले, और इसमें लगा दे, तो मैं कैसे करूँ, कि तू एक पिटारी ला कर रख दे, उसे मेरे भीतर प्रवेश होने का थोड़ा दरवाजा रख दे, और दूध रख दे कच्चा, कच्चा दूध रख दिया, वो सांप आया उसने आकर के भीतर मर गया, उसको लेकर गया, हरिप्रसाद जी कहते मैंने देखा उसको, गए जी आए तब ये तो बात सुनी, गए आए उसका पिंड सहाया, और सब ठीक विधि विधान से अच्छे ब्राह्मणों से पिंड सड़ा दिया, पिंड सड़ाने पर मर गया, तो मर गए पर ठीक जैसे पिता की रथी बनावे वैसे ढंग से उनकी सीढ़ी बनाई, वैसे राम नाम सत बोलते हुए गए, जागर दाह क्रिया कर दी, घर पीछे उनका करना शुरू कर दिया। कितनी बढ़िया बात है, इस तरह से सबका अच्छी तरह से काम कर दो, अपने जैसा हो सके वैसा, ऐसी बातें घटी, कई घटनाएं ऐसी घटी है मेरे को, कई कई सुनाई है, और शब्द मैंने सुनी नहीं है, परलोक और पुनः जन्मांक निकला एक अंक, कल्याण का अंक, परलोक और पुनः जन्म ऐसा अंक निकला है, उसमें कई घटनाएं ऐसी ऐसी दी, तो ऐसी है, तो अपना ऋण अनुबंध है, इस वास्ते कर्ज चुकाओ, कर्जदार की मुक्ति नहीं होती, तो कि इतना कर्ज हो गया हम चुका नहीं सकते, तो उसे चुकाने का एक उपाय भी है, अपने स्त्री पुत्र धन घर जमीन सब लेकर उनको अर्पण कर दो, या आपके हमारी चाहे बिक्री करो, हमारे चाहे काम करो, सर नौकर रखो, आपकी मर्जी है, सब आपका है, तो लाखों रुपयों का कर्जा हो, अरे आपके हजारों की संपत्ति है, पर सब दे दो, सब कर्जा उतर जाएगा, अपना सब दे दिया, और बस आपकी मर्जी है, हम काम करो, काम करा तो रोटी दे दो, खाऊंगे करूंगे, और हमें कुछ नहीं देना है आपसे, सब कर्जा उतर जाएगा, सब नहीं तो कर्जा देने से कैसे उतरे,
इससे भगवान के अर्पण भगवान ने साफ कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहं त्वा सर्व पापे मोक्ष यस्यामि मां श्रुता शोक मत कर तू शोक क्यों करता है चिंता क्यों करता है सबसे मेरे शरण हो जाए सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा तेरा कर्जा सब मेरे पर आया सब मैं चुका दूंगा कितनी बढ़िया बात है माम एकम शरणम ब्रज 1866 श्लोक है ये गीता जी का इसी टीका पढ़ लो सब धर्मों का आश्रय छोड़ दो हमारे पुण्य है दान है तप है तीर्थ है व्रत है हमारे बल है इसकी किसी की आशा मत रखो केवल भगवान माम एकम शरण मुझे एक भगवान की आश्रय हे नाथ मैं आपका हूँ अब मेरा जितना कर्जा है वो जो पुण्य है वो पाप है वो सब बनाने आप जाने मेरे तो सब कुछ आप मैं आपका हूँ संतों ने विधि बताई कि जैसे पति व्रता रहे पति के पासा यूं साहेब के ढेर रहे दासा पतिव्रता होती है वो पति का अर्पण कर दे ब्याह होता है तो उसमें अर्पण होता है जो पिता हाथ पकड़ दे देता है दान कि बेटा तेरे ये पति है अब जाओ इसके साथ गोत्र बदल जाता है गोत्र पिता का गोत्र था उस अग्नि और ब्राह्मण की और मंत्रों की साक्षी में जब कन्या दान हो गया तो गोत्र वैसा वही हो गया जो ले गया जिसे उसे गोत्र हो गया बस संसार में भी गोत्र बदल जाता है तो भगवान के सर्वथा अर्पण गोत्र नहीं बदलेगा सब बदल जाएगा भगवान के हो गए हम और भगवान ये तो पति की थी नहीं कहने से हो गई है और भगवान के तो हम हैं पहले से ही भगवान के हैं और भगवान कह रहे महाराज हम तो आप गए अब आप जानो और चिंता शोक तो अपने मां सोचा शोक ना करो क्यों नहीं करेंगे भगवान ने मना कर दिया शोक मत करो चिंता मत करो तो चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद चिंता भगवान को हमारे तो आनंद में मौज हो रही है हम चिंता क्यों करें चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाली है रामदास गोविंद जिन जन दिया भगवान के चरणों की शरण देखो आप नहीं हो तो भगवान के शरण ही भगवान क्या किया हुआ दिया हुआ सुख और दुख आपको आएगा ही वो तो भोगना पड़ेगा ही और प्रबंध भी भगवान करते ही हैं अपनी तरफ से अलग रहने से दुख पाना पड़ेगा अवस्था वही बीतेगी और शरण होने से भी वही जाएगा जैसे ठाकुर जी के भोग लगावे तो उसमें तोले भर भी कम नहीं होता मन पवित्र हो जाता है ऐसे आप भगवान के हो जाओ बाल बच्चों के सहित मैं तो कहा करता हूँ जितना धन है संपत्ति है तिजोरी है गहना है रुपये सब पर तुलसी धर दो छोरा छोरी पर भी धर दो कपड़ों पर भी धर दो गहनों पर भी धर दो मकानों पर भी तुलसी धर दो और महाराज ये सब आपका कहने की जरूरत नहीं हल्ला करने की जरूरत नहीं दूसरों को जलाने की जरूरत नहीं सच्चे हृदय से भगवान को दे दिया अब भगवान का प्रसाद पाते हैं सब पवित्र होगी चीज तुम्हें निवेदित भोजन कर रही प्रभु प्रसाद पट भूषण कर रही प्रभु प्रसाद हो गया भोजन कर सब पर प्रसाद है रोजाना प्रसाद पाओ मस्ती से भगवान का अरे भगवान का है चिंता हम क्यों करें चिंता करो भगवान जिसकी चीज है उसको चिंता करो हम क्यों करें रूप जी ने कहेगा जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरो का बिगड़ेगो मेरे क्या बिगड़ता है महाराज मो पति पांच पांच के तुम पति अब पत जाएगा तिहारी सूर्य के स्वामी लाज मरोगे देखोगे द्रुपदा उगाड़ी अपनी बच्ची को उगाड़ी देखो क्या शर्म नहीं आवेगा वो नहीं आवे जिंदगी से हमारे क्या है हमारे क्या है बड़ों को शर्म होती है हमारे क्या बात छोड़ 10,000 गज बल घटोर घटोर 10 गज चीर कितने विलक्षण भाव है नख भी वार नहीं कर सका भगवान को दे दो सब सच्चे हृदय से अब भी भगवान का ही है वो आपके हाथ में नहीं है केवल आपने मेरापन कर रखा है ये बेईमानी छोड़ दो तीज बात है भगवान का मान लिया अपना अर्पण क्या करना बेईमानी छोड़ देना ईमानदारी मान लेना और साधक होकर के सत्संग होकर के बेईमानी नहीं छोड़ दो और क्या छोड़ोगे क्या त्याग कर दो बताओ ठाकुर जी का ठाकुर जी अर्पण कर दिया अब बेटा मरे तो भगवान का मर के हम क्यों रोवे विधि विधान कर दो थोड़ा रो लो मत पानी पल्ला भी डाल दो कर दो स्वाग है ठाकुर जी से बात करते हैं ठाकुर जी मरता नहीं
ठाकुर जी तो इस कमरे से उस कमरे में क्या जाएगा, इस घर में था घर में जाएगा, उनकी तो मरता नहीं, वो यूं रोते नहीं, अरे हमारा है नहीं, हम क्यों रोए। नारायण नारायण नारायण।